सूत्र अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, यही तो बोल रहे थे हम लोग लास्ट सेशन में। कैसे बोले प्रेम के बारे में, हाउ डू वी डिस्क्राइब? देयर इज नो वे वी कैन डिस्क्राइब लव, देयर इज नो वे वी कैन डिस्क्राइब परमात्मा। ओके, अनिर्वचनीय मीन्स उसके बारे में कोई वचन, कोई वाक नहीं बोल सकते। वी कैन नॉट स्पीक अबाउट परमात्मा। सो देन व्हाई, व्हाट्स द होल पॉइंट? इट इज वी हैव टू ओनली फील इट। देयर आर नो वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब। कैन एनीबॉडी डिस्क्राइब ब्यूटी? वी हैड स्पोकन ऑन दिस। सौंदर्य को, अभी सपोज देयर इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ओके, हाउ आर यू गोइंग टू डिस्क्राइब हर? उसकी आंखें ना फिश जैसे, मीनाक्षी। अरे भाई, फिश कौन सा सुंदर है करके हम लोग उसको मीनाक्षी बोल रहे हैं? इट्स स्ट्रेंज एक्चुअली। एंड दिस लंबा नाक है, आई मीन इज दैट अ साइन ऑफ ब्यूटी? नॉट नेसेसरी। छोटा नाक वाले भी सुंदर हो सकते हैं। उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी, उस द होल डील इज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सिंपल, जिसको जो चीज सुंदर लगता है उसी को सुंदर लगता है, दूसरे को सुंदर लगना जरूरी नहीं है। सो हाउ वी डील विद दिस? अभी मून देखा, सनसेट देखा, साथ में पार्टनर था, बच्चे थे, उनको देखना कितना सुंदर लग रहा है। अरे मुझे नहीं लग रहा है ना सुंदर, इसमें क्या सुंदर है? अरे इट्स सो ब्यूटिफुल, हाउ यू कांट सी इट? वी गो ऑन पेस्टरिंग द अदर पर्सन बट दे डोंट सी द ब्यूटी। इट्स ओके। उन लोग बोले वो देखना क्या ब्यूटिफुल कार है। कार कहाँ ब्यूटिफुल है? मून देख, बोलते कार देख। ऐसा वी कैन कीप फाइटिंग। जिसको जो सुंदर लग रहा है वो उसको पता है। इट्स नॉट देन मून इज बेटर देन कार और कार इज बेटर देन, नथिंग लाइक दैट। होल डील इज जिसके आंखों में जो सुंदर लग रहा है, वी हैव टू एंटर देयर आईज टू सी दैट ब्यूटी बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग इट। So we can keep fighting, we can keep arguing, but we can never come to a common understanding. So it's better to keep quiet. Okay? If you feel it's beautiful, you can exclaim and then keep quiet and enjoy the beauty because there is no way to express it. We can say, uska aaj color dekhna, sun ka set ye dekhna, uska baju mein clouds dekhna, uska... We can go on saying different things, but we'll sound like fools actually because the other person is a kidhar hai, orange color kidhar hai, red kidhar hai, na? The whole deal is, are you can't see? No, I see orange and we will be seeing red. Then we can fight or we can argue and forget the sunset. Don't do that. Never argue or discuss about saundarya because saundarya is always depending on each person. Okay, same thing is love. जब लैला मजनू थे, इवन इन द समसारा वी आर स्पीकिंग ऑफ, इट सीम्स लैला वॉज नॉट वेरी ब्यूटिफुल। सो द किंग ऑफ दैट प्लेस सेड, ये मजनू के पागल जैसे घूम रहे हैं, तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, साधारण स्त्री है, शी इज सो सिंपल। लेनो 10-12 सुंदर सुंदर लड़की लोग को लाके खड़ा कर दे, बोलते छोड़ उसको। तो बोलते लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। To see the beauty, it depends on that person alone. So same thing is with the prema swarupam bhakti, Paramatma ke liye. Main bolu Krishna aise waise, tum log kya bol rahe hai yaar, hum logo to theek hi dikh raha hai. It's possible, which is fine. Koi bole are usko kya malum Shiv kya tha, you know? Okay, aapke liye Shiv hai, hamare liye shayad Krishna hai. Aapko shayad Radha pasand hai, aapko Meera pasand hai, ya jo bhi pasand hai. या राम पसंद है, इट डजंट मैटर। हम किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, वी हैव अ फ्री विल, फ्री चॉइस। ओके, सो द होल डील इज फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। सामने क्या है और कौन है उसमें अटको मत। इट इज द इमोशन दैट यू फील विच विल ओवरराइड एवरीथिंग एल्स। ओके, स्टे विद दैट इमोशन। So anirvachaniyam prema swarupam, we cannot describe this feeling, we cannot describe bhakti because it is parama prema. Hum log prem hi nahi describe kar pa rahe. Last time also we discussed, we can't describe love. Where are we going to describe parama prema? And then it is like the next sutra is connected, muka swadanavat. Matlab jo gunge hai, dumb, who can't speak, if you give them a tasty thing, maybe a sweet, how are they going to tell you how it was?
They will only express with eyes and all those things. Maybe they'll do it better than words. But still, the whole deal is it's not a complete expression. Even with words, limited hai words. Limited se hum log unlimited express karenge. Anubhav hi sab kuch hai. The entire experience is like the ocean. And the experience is what? Just the waves. तो हम लोग छोटा छोटा बोलेंगे कि ये मेरा द होल अनुभव इज द ओशन एंड द एक्सप्रेशन सॉरी आई सेड एक्सपीरियंस इज द ओशन ओके ह्यूज थिंग एंड द एक्सप्रेशन इज द वेव. अब ये छोटा सा एक्सप्रेशन हो रहा है इसमें से कैसे पता चलेगा कि विराट परमात्मा क्या है. How can we experience the unlimited with a limited sight, with a limited mind or a limited thought or whatever it is? Limitedness se unlimited kaise experience karein?